एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार गुरु मंत्र बोलेंगे, ओम गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ आपस में घर्षण करेंगे, उस घर्षण से प्राप्त उष्मा को अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम मैम जी, हरि ओम। हेमलता, धन्यवाद आपका। तो लास्ट की क्लास में कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने? ओके, श्लोक नंबर 16 तक, तत्परम पुरुष ख्याते गुणे वैतृष्णया। क्या बताया गया है 16वें नंबर के सूत्र में, क्या होता है उसका मतलब? मतलब पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाता है तो वह पर वैराग्य असंप्रज्ञा समाधि है। हाँ, उसका मतलब ये होता है पुरुष के ज्ञान, पुरुष का ज्ञान ठीक है, लेकिन उसमें आप लोग क्लियरली इस बात को मेंशन कीजिएगा कि विवेक ज्ञान के कारण, ठीक है, पुरुष को क्या है, प्रकृति के गुणों में तृष्णा का क्या है, सर्वथा अभाव हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पर वैराग्य बोलते हैं। और पर वैराग्य का फल क्या होता है? असंप्रज्ञा समाधि। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे क्लास में, है ना? 9 लोग और जुड़े हुए हैं, तो बाकी 9 लोग भी कीजिए रिस्पॉन्ड। अब उसके बाद अपर वैराग्य का फल क्या होता है? संप्रज्ञा समाधि, ओके, और अपर वैराग्य कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स, 4 प्रकार के। हाँ, 8 प्रकार कौन के। कौन यथार्थ, से? अतिरेक, एकेंद्रीय एंड वशिकार। ओके, ठीक यथार्थ, है। व्यतिरेक, एकेंद्रीय और एकेंद्रीय क्या वशिकार, होता है? एक इंद्रिय प्रधान। एकेंद्र, हाँ, क्या होता है उसमें? इसमें मैम मतलब हम एक ही इंद्रिय में स्थापित होते हैं और विषयों को छोड़ देते हैं, जो हमारे विषय होते हैं उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद आज हम लोग देखते हैं समाधि के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय पढ़ रहे थे, है ना? तो चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय दिया गया है कौन से नंबर के सूत्र में? 12, 12 ट्वेल्व नंबर के, नंबर, ठीक है। 12 हाँ नंबर के। हाँ तो क्या है चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय? अभ्यास वैराग्यम तद अभ्यास निरोधः। और वैराग्य। अब उसके बाद 13 और 14 नंबर के सूत्र में किसके बारे में दिया गया है? अभ्यास के बारे में, है ना? हाँ, 13 और 14, हाँ, 13 और 14 दोनों में में किसके अभ्यास बारे के में बारे दिया में, गया है? अभ्यास के बारे में दिया अभ्यास के गया। बारे में, फिर 15 और 16 में किसके बारे में दिया गया है? वैराग्य के पर बारे में, वैराग्य है ना? और अपर। हाँ, तो सबसे पहले अपर वैराग्य का बताया गया है 15वें नंबर के सूत्र में। तो उस 15वें नंबर में दिए गए अपर वैराग्य का फल कौन सा समाधि होता है हमारा? संप्रज्ञात, समाधि, है संप्रज्ञात, ना? हाँ, संप्रज्ञा। याद समाधि। रखेंगे, मैंने ट्रिक भी बताया था, उसमें अपर दिया हुआ है, सामने में अ है, तो इसमें सामने में अ नहीं आएगा। तो अपर वैराग्य का संप्रज्ञात समाधि, और जो 16वां नंबर का दिया है हमारा पर वैराग्य, उसका होता है असंप्रज्ञात समाधि। तो राइट नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, इज इट विजिबल? Not yet, ma'am. Yes, now it is visible. ओके, है ना? तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे 17वें नंबर के सूत्र का, जो होता है हमारे अपर वैराग्य का फल, है ना? तो बताइए, संप्रज्ञात समाधि के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके थे क्या? कितने टाइप का होता है? नहीं पढ़े हैं, है ना? अभी ये है हमारा 18 नंबर का सूत्र और ये है ना? तो देखिए, इस प्रकार निरोध के उपाय भूत, किसके निरोध का उपाय भूत बोला गया है? चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय। तो अभ्यास वैराग्य का लक्षण प्रतिपादन करके, तो 13 और 14 में अभ्यास का लक्षण बताया गया, उसके बाद वैराग्य के बारे में बताया गया है 15वें और 16 नंबर के सूत्र में। ये हाईलाइटर ओपन नहीं हो रहा है, 1 मिनट, है ना? किसी दूसरे में ओपन करके देखती हूँ मैं।
तो है। कौन सा पेज नंबर था? हाँ ये है ना। तो इस प्रकार निरोध के उपाय भूत अर्थात चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय भूत क्या है? अभ्यास वैराग्य का लक्षण बता के अब इन दोनों उपायों से सिद्ध होने वाली संप्रज्ञात समाधि उसके सार अवांतर भेद सहित स्वरूप निरूपण करते हैं। मतलब इसमें अब डायरेक्ट बताया जा रहा है कि अपर वैराग्य का फल हमारा क्या होता है? संप्रज्ञात समाधि होता है। तो अब इसके कितने प्रकार के भेद हैं उसको, फिर ये कहाँ चला गया हाइलाइटर? हाँ ये है ना। तो कहाँ गया जी? उसके भेद का क्या है, यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। तो हमारा 17वां नंबर का सूत्र है वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। ठीक है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। एक मिनट ना, बाहर से वॉइस आ रही है, मैं बोल देती हूँ लोगों को। सॉरी, कहाँ गया हमारा? तो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों के संबंध से जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है वही क्या है? संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो इस प्रकार के भेद हैं, है ना, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ये क्या है? स्टेजेस हैं हमारे, है ना। तो इसी के कारण क्या है, जो हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है उसी को क्या बोला जाता है? संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि ये वितर्क विचार आनंद और अस्मिता है क्या। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग पांचों। पहले मैं आप लोगों को एक इमेज दिखा देती हूँ कि कितने टाइप्स के हमारे समाधि हैं, है ना, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा समाधि, ठीक है। समाधि कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन सा है हमारा? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं संप्रज्ञात समाधि के बारे में। तो संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। पहला है वितर्क, दूसरा है विचार, तीसरा है आनंद और चौथा है अस्मिता, ठीक है। उसके बाद फिर से इस वितर्कानुगत समाधि को क्या है, दो भाग में बांटा गया है ना। पहला है सवितर्क और दूसरा है निर्वितर्क। फिर उसके बाद दूसरा नंबर का हमारा समाधि है विचारानुगत समाधि, उसको फिर दो भाग में बांटा गया है, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। अभी आप लोग सिर्फ नाम याद रखेंगे। संप्रज्ञात के चार टाइप, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। फिर उसके बाद इस वितर्क को फिर से दो भाग में, एक सवितर्क और दूसरा निर्वितर्क, और सविचार को फिर से सविचार और निर्विचार। अब उसके बाद हमारा पहला समाधि तो संप्रज्ञात समाधि हो गया, तो हमारा दूसरा समाधि क्या है? दूसरा समाधि असंप्रज्ञात क्या है? यस, असंप्रज्ञात समाधि है। हाँ, तो अब संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के क्या है, चार उपाय बताए गए हैं, है ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। तो उसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का क्या है, दो तरीका होता है। पहला होता है भाव प्रत्यय और दूसरा होता है उपाय प्रत्यय। तो भाव का अर्थ जन्म से होता है, तो ये भाव प्रत्यय किन 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 योगियों को, मतलब किनको प्राप्त, किनका भाव अर्थात जन्म होता है? तो ये होता है प्रकृति लय योगी और दूसरा होता है विदेह लय योगी। तो इन दो प्रकार के योगी क्या है, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या उपाय है सॉरी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए? तो उसके क्या है, पांच उपाय बताए गए हैं। इसी को साधक पंचक कहा जाता है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से आते हैं हमारे पीडीएफ में, है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गई हूँ, है ना। वो आप लोगों को डायरेक्ट मैं चैट से ओपन करके दिखा देती हूँ। मैं इसमें ऐड करना भूल गई हूँ, है ना। तो ये है हमारा पहला ग्राह्य, दूसरा ग्रहण और तीसरा है ग्रहित्री या ग्रहिता।
ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इसमें जो ग्रहण करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रहिता, ठीक है, जो ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रहिता या ग्रहित्री। तो ग्रहण करता कौन है, पुरुष, ठीक। फिर उसके बाद ग्राह्य, तो जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ग्राह्य। और ग्रहण क्या है, जिसको हमें ग्रहण करना है। तो ये आगे हम लोग उसमें और देखेंगे बुक से करके, पहले यहीं पर देख लेते हैं, है ना। तो अब सबसे पहले है जो समाधि है ना, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, तो किसको बोला जाता है, तो वितर्कानुगत ग्राह्य समाधि। पहले इन चारों का ये थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं। तो जो पांचों स्थूल भूत विषयक तथा स्थूल इंद्रिय विषयक ग्राह्य भावना का नाम क्या है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात। तो स्थूल भूत का अर्थ क्या हुआ, स्थूल भूत विषय अर्थात हमारे क्या है, पंच महाभूत है ना। तो उसी को क्या बोला जाता है, स्थूल भूत। कौन कौन से हैं हमारे पंच महाभूत, आकाश ठीक वायु अग्नि है, आकाश, वायु, अग्नि, उसके बाद जल, फिर पृथ्वी। तो ये हमारे स्थूल भूत हैं, इसी को क्या है, पंच महाभूत बोला जाता है। अब स्थूल इंद्रिय विषयक ग्राह्य, ठीक है, स्थूल इंद्रिय विषयक जो हमारे पंच क्या है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इसी के द्वारा क्या है, इसको ग्रहण किया जाता है ना। तो उस ग्राह्य भावना का नाम, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि बोला जाता है। ग्राह्य भावना का नाम इसको आप लोग ऐसे समझेंगे, एक मिनट है ना, ग्राह्य मतलब क्या है, जिसके द्वारा हम लोग मतलब सॉरी जिसको क्या है, ग्रहण किया जाता है। तो अब देखिए वायु में क्या होती है, सुगंध होती है ना। तो उसी को क्या है, हम लोग ग्रहण करेंगे, तो वो ग्रहण करने योग्य है, इसी कारण उसको क्या बोला जाता है, ग्राह्य बोला जाता है। जल का गुण है क्या है, हम उसको पी सकते हैं, है ना, तो उसको भी क्या है, हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो जिस चीज को ग्रहण किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, ग्राह्य बोला जाता है। तो जो स्थूल भूत विषयक जो तथा जो स्थूल इंद्रिय विषयक, ठीक है, जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, जैसे जल, अग्नि इत्यादि हमको क्या है, दिखाई देते हैं स्थूल रूप में, तथा स्थूल इंद्रिय विषयक अर्थात जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या है, जिसको ग्रहण किया जाता है, तो इसी भावना का नाम क्या है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, सूक्ष्म भूत विषयक। अब जो ये स्थूल भूत है ना, इसके क्या है, विषय होते हैं, इसके सूक्ष्म भूत होते हैं, जैसे कि उसी को, और जो उसके जो विषय होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, तन्मात्रा बोला जाता है। जैसे कि पृथ्वी का तन्मात्रा क्या है, गंध, है ना। और उसके बाद जो जल का तन्मात्रा क्या है, रस। हाँ, रस, ठीक है, तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषयक अर्थात क्या है, इसमें जो सूक्ष्म भूत है उसके तथा जो सूक्ष्म इंद्रिय विषयक जो ग्राह्य भावना का नाम है उसको क्या बोला जाता है, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। इसको आगे हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला वितर्कानुगत में आप लोग क्या रखेंगे, स्थूल भूत, विचारानुगत में क्या है, सूक्ष्म भूत, ठीक है। फिर उसके बाद तन्मात्राओं तथा इंद्रियों के कारण, अब जो ये पंच तन्मात्रा है हमारे, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श तथा इंद्रियों के कारण जो सत्व प्रधान अहंकार, अर्थात सत्व प्रधान अहंकार किसके द्वारा होता है, मन में, है ना। तो अहंकार विषय केवल ग्रहण भावना का नाम क्या है, आनंदानुगत संप्रज्ञात है। और अस्मिता अर्थात चेतन से प्रतिबिंबित चित्त सत्व बीज रूप अहंकार सहित विषय ग्रहित्री भावना का नाम अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। इसको और डिटेल से आगे पढ़ते हैं, ये पूरा दिया है तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन होने लगता है। तो पहले हम लोग देखते हैं वितर्कानुगत ग्राह्य समाधि, ये हमारा पहला हुआ समाधि। तो ये क्या है, तीनों मतलब तीन चीज हम लोग पढ़े ना, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। तो जो पहले दो नंबर का है मतलब वितर्क और विचार क्या है, ग्राह्य विषयक समाधि है हमारे, है ना। तो पहला अब हम लोग देखते हैं वितर्कानुगत ग्राह्य समाधि। तो जिस भावना द्वारा, अच्छा एक चीज मैं पहले ही बोल देती हूँ, है ना, ये थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा शांति से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज समझ में नहीं आता है तो चुपचाप सुनेंगे, घर में जाकर के पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो इसको हम लोग एक बार और देख लेंगे, लेकिन एकदम से टेंशन में नहीं आना है ना।
कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक, अभी केवल आप लोग सुनेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं वितर्कानुगत ग्राह्य समाधि। तो जिस भावना द्वारा ग्राह्य रूप किसी स्थूल विषय, विराट, महाभूत, सूर्य, चंद्र, शरीर, स्थूल इंद्रिय आदि किसी स्थूल वस्तु पर चित्त को ठहरा कर संशय या विपर्य रहित उसके यथार्थ स्वरूप को सारे विषयों सहित जो पहले कभी न देखे न सुने और न अनुमान किए थे साक्षात किया जाए, वह क्या है? वितर्कानुगत समाधि है। तो देखिए ये क्या है, जिस भावना द्वारा ग्राह्य रूप, ग्राह्य का अर्थ क्या है, जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो स्थूल विषय, विराट इत्यादि, मतलब कुछ चीज हमको स्थूल रूप में दिखाई दे रही है। जैसे कि क्या है, मेरे पास ये मेरे चश्मे का डिब्बा है, तो ये क्या हुआ मेरे लिए, स्थूल विषय। फिर उसके बाद जो पंच महाभूत है ना, तो क्या बोलते हैं जी, जल, पृथ्वी, ये इत्यादि जो हमारे पंच महाभूत है ये, और उसके बाद सूर्य, ये भी हमको दिखाई देता है, चंद्र दिखाई देता है, ये जो शरीर है, और उसके बाद हमारे जो स्थूल इंद्रिय हैं, ये आदि किसी स्थूल वस्तु पर, ठीक है, मतलब जो चीज हमको दिखाई दे रही है ना, स्थूल रूप में जो दिखाई दे रहा है उस वस्तु पर हम चित्त को क्या है, ठहराएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब उस पर ठहर जाएगा तो संशय और विपर्य रहित, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का हमको संशय नहीं रहेगा, और विपर्य अर्थात हम लोग उसको यथार्थ रूप में देखेंगे, कुछ वो चीज कुछ अलग है और हम उसको कुछ दूसरा समझ रहे हैं, इस तरह का संशय नहीं होगा, उसके यथार्थ स्वरूप को और उसके कैसे, उसके सारे विषयों सहित, मतलब जो वस्तु हमारे पास है हम उसके यथार्थ स्वरूप को समझेंगे और उसको सारे विषयों सहित, अर्थात जो जो विषय उसमें निहित है उसके, उसको समझेंगे, और जो पहले कभी ना देखे न सुने और न अनुमान किए थे, अर्थात इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो उस पर क्या है, उसके सारे स्वरूप को हम लोग समझेंगे, और उसका क्या है, अगर साक्षात किया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, वितर्कानुगत समाधि कहा जाता है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट इसी तरह से याद रखेंगे कि स्थूल भूत विषय जो तथा स्थूल इंद्रिय विषय क्या है, जो ग्राह्य भावना का नाम, अर्थात जो स्थूल विषय है, डायरेक्ट ऐसा याद रखिए कि सूर्य, चंद्रमा इत्यादि हमको स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, है ना। जैसे हम लोग त्राटक का अभ्यास करते हैं, ज्योति त्राटक करते हैं, तो कैंडल या जो दिया जलता रहता है वो हमको स्थूल रूप में दिखाई देता है ना। तो उसी पर क्या है, हम उसको अपने चित्त को ठहराते हैं, ठीक है, तब उसको क्या बोला जाता है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। अर्थात जब हम स्थूल रूप में जो कुछ भी विषय हमको दिखाई दे रहा है उस पर अपने चित्त को ठहराते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, ठीक है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब इसके भी क्या है, दो भेद है, पहला है सवितर्क, तो शब्द, अर्थ और ज्ञान की भावना सहित, और दूसरा है निर्वितर्क, अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान की भावना से रहित, केवल अर्थ मात्र। तो इसको क्या है, आगे नंबर जो हमारा इसी समाधि पाठ का 42 और 43 नंबर का सूत्र है उसमें बताया गया है। यहाँ पर अभी एक आप लोग केवल इस चीज को याद रखेंगे कि वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि के क्या है, टू टाइप्स है, फर्स्ट वन इज सवितर्क एंड सेकेंड वन इज निर्वितर्क, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं दूसरा, आया ना समझ में क्या होता है वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, एक वर्ड में बताइए, ठीक है, किस पर स्थूल रूप पे ध्यान केंद्र करना और उसका यथारूप ज्ञान होना। हाँ ठीक है, स्थूल विषय पर हम जब अपने चित्त को ठहराते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है दूसरा, विचारानुगत। तो वितर्कानुगत क्या है, स्थूल चीजों पर किया जाता है, लेकिन विचारानुगत क्या है, वो सूक्ष्म भूतों पर, मतलब जैसे कि आप लोग डायरेक्ट इस चीज को समझिए कि ज्योति त्राटक में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जब त्राटक का अभ्यास करते हैं तो कैंडल और दिया जब जलता है तो उसकी लौ को देखने के लिए बोला जाता है, लेकिन थोड़ा देर तक उस लौ को देखने बाद क्या है, हमको आंखों को बंद करने बोला जाता है, और उस आंख को बंद करने के बाद हमको अपने क्या है, भ्रू मध्य क्षेत्र में उस ज्योति को देखने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही करते हैं ना त्राटक का अभ्यास, यस और नो? यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो पहले क्या है,
वो ज्योति हमको स्थूल रूप में पहले दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जब आंख बंद कर लेते हैं तो बाहर जो ज्योति जल रही है वो हमको दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद ही हमको उसमें उसके सूक्ष्म रूप को कि ऐसा अनुभव कीजिए कि आपको अब आपके भूमध्य में उस ज्योति का स्वरूप दिखाई दे, है ना। तो अब ये क्या हो गया हमारा सूक्ष्म विषय, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, विचारानुगत ग्राह्य ग्राह्य विषयक समाधि या विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। तो वितर्क अनुगत द्वारा जब चित्त वस्तु के स्थूल आकार को साक्षात कर लेता है तब उसकी क्या है, दृष्टि आगे बढ़ती है। तब जिस भावना द्वारा ग्राह्य रूप स्थूल रूपों के पांच कारण, पांचों सूक्ष्म भूतों का, पांचों तन्मात्राओं तक तथा शक्ति मात्र इंद्रियों का यथार्थ रूप संशय विपर्य रहित सारे विषयों सहित साक्षात किया जाए तब वह क्या है, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है, ठीक है। स्थूल विषय से आगे बढ़ उसकी दृष्टि बढ़ती है तब उसके क्या है, स्थूल भूतों के कारण जो उसके पांचों जो सूक्ष्म भूत तथा पांचों तन्मात्राओं तक तथा शक्ति मात्र इंद्रियों का यथार्थ स्वरूप, ठीक है। पहले इसमें क्या है, जो ये हमारी जो इंद्रियां थी, इंद्रियां क्या है, स्थूल रूप के हमको दिखाई देती हैं, लेकिन उन इंद्रियों की भी क्या होती है, शक्तियां होती है। जैसे जो हमारे स्रोत्र हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना, कान है, तो उसकी सूक्ष्म शक्ति क्या होती है, जो सुनने की उसकी शक्ति होती है वही क्या है, हमारा सूक्ष्म विषय है उसका, ठीक है। तो इन सब आदि के बारे में संशय विपर्य रहित सारे विषयों सहित साक्षात किया जाए तब वह विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। जैसे कि मैं इसमें क्या कर रही हूँ, सूक्ष्म स्थूल महाभूत संपोज मैंने किया, जल पर क्या है अपना चित्त ठहराया मैंने, है ना। तो जल क्या हुआ मेरा, सूक्ष्म महाभूत। लेकिन अब उस जल का सूक्ष्म तन्मात्रा क्या होता है, जल का तन्मात्रा रस, ठीक है। उसका सूक्ष्म विषय क्या हुआ, रस हुआ। तो अब उस रस पर क्या है, मैं अपना चित्त है वो ठहराने का अभ्यास करूंगी, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सूक्ष्म रूप संप्रज्ञात समाधि। हाँ, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, ठीक है, आया समझ में। तो इसमें स्थूल रूप पर करेंगे और इसमें क्या है, सूक्ष्म रूप पर करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या है, सूर्य पर पहले अपना ध्यान ठहराएंगे, चंद्रमा पर, या फिर चंद्रमा पर, तो ये हमको क्या है, स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या है, आंख बंद कर लेंगे और सोचेंगे कि क्या है, मेरे को सूर्य दिखाई दे रहा है या चंद्रमा दिखाई दे रही है। तो जब हम उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, अपना चित्त स्थिर करते हैं, तब वही क्या है, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाएगा, है ना। अब इसको फिर से दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। पहला है सविचार और दूसरा क्या है, हमारा निर्विचार। इसको फिर क्या है, जो हमारा 44 नंबर का जो सूत्र है उसमें दिया गया है। तो आया आप लोगों को समझ में कि वितर्कानुगत क्या होता है और विचारानुगत क्या होता है। तीसरा नंबर का हमारा समाधि कौन सा होता है, संप्रज्ञात समाधि का तीसरा टाइप, ठीक है, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, है ना। तो विचारानुगत के निरंतर अभ्यास से, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो चारों समाधि के क्या है, स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपका कौन सा समाधि सिद्ध होगा, वितर्कानुगत। फिर उसके बाद क्या होगा, विचारानुगत। अब मैं त्राटक का अभ्यास कर रही हूँ, है ना। अब मैंने कभी, मतलब मेरे सामने में कैंडल और दिया नहीं जलाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट बोलेंगे मेरे को कि अपने भूमध्य में क्या है, जलते हुए लौ को देखो, पॉसिबल है क्या, हो सकता है किसी के लिए पॉसिबल हो, है ना, कर भी सकते हैं, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन क्या है, ये हमारे लिए इजी कब हो जाएगा, पहले हमको जो दिए का लौ है उसको दिखाएंगे, थोड़ा देर हम उसको देखेंगे, अब उसके बाद आंख बंद करके बोले कि अब देखो अपने भूमध्य में उस दीपक की लौ को करके। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले हमारा वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होगा, उसके बाद दूसरा क्या है, हमारा विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि होगा, फिर विचारानुगत को प्राप्त करके हम किस में आएंगे, नदी कैसे, हाँ,
ठीक है, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में, है ना। तो ये अब देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, विचारानुगत के निरंतर अभ्यास से जब चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि शक्ति मात्र इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के कारण अहंकार को उसमें धारण करके साक्षात किया जाए, तब उसको क्या है, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहेंगे। देखिए अब इसमें विचारानुगत की निरंतर अभ्यास करने से जब चित्त की एकाग्रता बढ़ जाएगी, है ना, तो इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के कारण, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रहण रूप समाधि, है ना, ग्रहण विषय पर किया जाता है इसको। तो ग्रहण किसके द्वारा हम लोग करते हैं, है ना, इंद्रियों को, ठीक है, इंद्रियों के द्वारा ही हम लोग ग्रहण करते हैं, है ना, जो भी चीज हमको दिखाई दे रही है। जैसे कि मेरी इंद्रिय क्या है, आंख है ना, चक्षु इंद्रिय है मेरी, तो इस इंद्रिय का विषय क्या है, किसको ग्रहण करता है, ये किसको ग्रहण करता है जी, विषय को, रूप को, उसका विषय पूछ रही हूँ ना, रूप करता है। रूप, रूप। तो आंखों के लिए विषय क्या है, रूप हो गया। जिह्वा का विषय क्या हो जाएगा, रस, हाँ रस। तो ये जो रूप रस इत्यादि क्या है, ये तन्मात्रा ही तो है ना, तो इंद्रियों तक तन्मात्राओं के कारण अहंकार को, ठीक है, तो अहंकार का मैंने कुछ दिन पहले शायद आप लोगों से और डिस्कस किया होगा, अहम भाव करके, है ना, चलिए आगे और आएगा, तो उसमें धारण करके साक्षात किया जाए, तब उसको क्या है, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो विचारानुगत समाधि में जिस सूक्ष्म विषय का साक्षात किया जाता है, यदि योगी वही न रुक कर आगे बढ़ना चाहे, तो चित्त की एकाग्रता द्वारा सत्व गुण के अधिकता में अहंकार का स्वयं साक्षात होने लगता है ना। तो विचारानुगत पहले हम क्या है, साक्षात कर लेंगे, फिर उसके बाद वहीं पर हम लोग नहीं रुकेंगे, ठीक है, फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब चित्त की एकाग्रता द्वारा क्या है, सत्व गुण की अधिकता के कारण, क्यों, क्योंकि देखिए जब हम लोग वो पढ़ते हैं प्रकृति का, जब क्या है विकासवाद जब होता है ना, तो सबसे पहले प्रकृति आती है, प्रकृति के बाद महत्तत्व आता है, महत्तत्व या बुद्धि, फिर उसके बाद क्या आता है, अहंकार, फिर यही अहंकार क्या है, तीन भाग में डिवाइड होता है, सत्व अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार, है ना। तो मूल रूप से ये अहंकार क्या है, सात्विक होता है, चित्त का ही गुण है ये, है ना, अहंकार और चित्त मूल रूप से क्या है, सात्विक प्रधान होता है, पढ़ा है ना हमने इस चीज को, यस और नो, यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो देखिए कहाँ गया जी, सत्व, ये सत्व गुण की अधिकता में अहंकार का क्या है, स्वयं साक्षात होने लगता है। तो आनंद नाम रखने का कारण यह है कि सत्व गुण प्रधान अहंकार क्या है, आनंद रूप है, तो सत्व का गुण जहां पर होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या है, आनंद की स्थिति बनी रहेगी। सत्व का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, डायरेक्ट आप लोग ये समझ सकते हो, जैसे कि तमस गुण है तो वो मूढ़ टाइप का व्यक्ति होगा, रजस है तो वो गुस्सैल टाइप का होगा, लेकिन क्या है, जिसके में सत्व गुण की अधिकता रहेगी, वो ऑब्वियस बात है क्या है, वो आनंद की स्थिति में रहेगा, है ना। तो इसी कारण बोला गया है कि इसका नाम आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि हम लोग रखे क्यों है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सत्व प्रधान अहंकार होता है, और ये कैसा होता है, आनंद रूप होता है, इसी कारण इसका नाम क्या है, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है। तथा सूक्ष्मता के तारतम्य को साक्षात करते हुए योगी का चित्त सत्व गुण बढ़ने से आनंद से क्या है, भर जाता है। देखिए सूक्ष्मता के तारतम्य को साक्षात करते हुए, अब सूक्ष्मता को करके क्यों बोला गया है, क्योंकि इससे पहले हमने जो ये विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि देखा था, तो उसका विषय क्या है, सूक्ष्म रूप ही है ना। ये देखिए सूक्ष्म भूत इत्यादि को हम लोग इसमें साक्षात करते हैं, है ना, तो इसी के कारण कहा गया है कि सूक्ष्मता के तारतम्य को साक्षात करते हुए योगी का चित्त सत्व गुण के बढ़ने से, अब सत्व गुण क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उससे क्या है, आनंद से भर जाता है। उस समय कोई भी विचार अथवा ग्राह्य विषय उसका विषय नहीं रहता, ग्राह्य क्या है, खत्म हो गया है वो वितर्क और आनंद वाली स्थिति में, अब उसका विषय क्या रहता है, क्या रहता है, ग्रहिता, क्या रहता है, ग्रहण, ठीक है, ग्रहण, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, आप लोगों को बोलेंगे करके, है ना। तो उस समय भी कोई कहाँ गया, ग्राह्य विषय उसका विषय नहीं रहता, ग्राह्य विषय उसका समाप्त हो गया,
कहाँ तक विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में, और फिर उसके बाद किंतु आनंद ही आनंद उसका क्या है विषय बन जाता है, और मैं सुखी हूँ ऐसा अनुभव होता है। तो जो योगी इसी को अंतिम ध्येय समझकर इसी में संतुष्ट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका देह से तो अध्यास छूट जाता है परंतु स्वरूपावस्थिति नहीं होती। और अब देखिए इसमें क्या है, अब हम लोग आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में आ गए है ना, हमको क्या है आनंद का अनुभव होने लगा। तो अब हम क्या है इसी को अपना लास्ट स्टेज समझ लिए, मतलब जो योगी है इसी को अपना अंतिम ध्येय अंतिम लक्ष्य समझ लेता है और इसी में जब संतुष्ट हो जाता है इससे आगे नहीं बढ़ता, तो उससे क्या है देह से अब अध्यास उसका क्या है छूट जाता है, मतलब उससे उसका संबंध छूट जाएगा परंतु उसकी स्वरूपा अवस्थिति नहीं रहती, मतलब उसका देह से तो अभिमान छूट जाएगा ठीक है, लेकिन उसको स्वरूपा अवस्थिति अपने स्वरूप में स्थित होना, कहाँ पर पढ़े हैं हम लोग ये चीज, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, हाँ ठीक है। तो अपने अब क्या है स्वरूपा अवस्थिति नहीं हुई रहती, मतलब क्या है उसको अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ रहता, मतलब उसकी चित्त की वृत्तियों का क्या है पूर्ण तरह से निरोध नहीं हुआ है ना। तो शरीर त्यागने के पश्चात वे लंबे समय तक कैवल्य पद जैसे आनंद को भोगते रहते हैं, मतलब क्या है उनके शरीर का मोह यहाँ पर से समाप्त हो गया, पढ़ा ना हमने ये कहा गया देह से तो अध्यास छूट जाता है ना, तो शरीर त्यागने के पश्चात मतलब जब उनका शरीर छूट जाता है तब वे लंबे समय तक कैवल्य पद, तो कैवल्य की अवस्था में जब हम रहते हैं तो जिस तरह का आनंद होता है तो उस आनंद का भोग करते हैं और वही क्या कहलाते हैं विदेह कहलाते हैं, मतलब आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति जिस योगी को प्राप्त होती है वही क्या है विदेह लय योगी कहलाते हैं, जिसका वर्णन ये नेक्स्ट हमारा जो 19वें नंबर का सूत्र है उसमें दिया गया है। आया समझ में आप लोगों को, विदेह योगी किसको बोलेंगे जिन्होंने क्या है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त की है, आया समझ में, आया कि नहीं आया जी, हाँ ठीक है। विदेह मतलब क्या है देह छूट गया इनका ठीक है, तो इसी कारण क्या है इनको विदेह योगी, मतलब देह से अभिमान छूट जाता है इस कारण से इसको क्या है विदेह योगी कहते हैं, और ये क्या है कुछ समय तक क्या बोलते हैं जो कैवल्य का आनंद होता है उसको भोगते हैं, लेकिन जैसे ही वो आनंद समाप्त होगा फिर से इनका क्या है पुनर्जन्म होता है ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग जो भाव प्रत्यय 19वें नंबर का सूत्र है ना, उसमें समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कठिन तो नहीं लग रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिवाइज करना पड़ेगा मैम, बट अभी मैम अभी तो लग रहा है कि हाँ अभी तो लग रहा है समझ में आ रहा है, लिंक नहीं आएगी, हाँ वो घर में जाकर के आप लोग एक बार और पढ़ेंगे तो आ जाएगा है ना। अब उसके बाद चौथा क्या बोलते हैं जी चौथे नंबर का समाधि हमारा कौन सा है, अस्मितानुगत समाधि ठीक है। तो वितर्क और विचार है वो किस पर होते हैं ग्राह्य विषय पर होते हैं, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है वो किस पर होता है, किस पर होता है ग्रहण ग्रहण ठीक है। अब उसके बाद अस्मितानुगत समाधि है वो किस में होता है ग्रहित्री या ग्रहिता के ऊपर, तो चेतन से प्रतिबिंबित चित्त जिसमें बीज रूप से अहंकार रहता है, अर्थात जो चित्त है वो बीज रूप अहंकार और अहंकार उपाधिक पुरुष, जहां से पुरुष और चित्त में अभिन्नता आरोप होती है उसका नाम अस्मिता है। देखिए इसको एकदम इजी वर्ड में समझते हैं क्या बोला गया है, चेतन से प्रतिबिंबित पुरुष क्या होता है चेतन होता है ना, तो इसी कारण उसको क्या बोला गया है चेतन से प्रतिबिंबित। अब चित्त चित्त किसमें रहेगा, जो जड़ वस्तु है जो मृत है उस पर चित्त रहता है क्या, मरे हुए व्यक्ति के अंदर मन उसका जिंदा रहता है उसका चित्त जिंदा रहता है नहीं रहता है ना, हम जीवित हैं हम चेतन स्वरूप हैं तो हमारे अंदर क्या है चित्त है, तो आप इसको उसी तरह से समझिए कि चेतन से प्रतिबिंबित चित्त जिसमें बीज रूप से क्या है अहंकार रहता है। अब जो चित्त है चित्त के अंदर ही तो अहंकार रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, चित्त किस चीज से बनता है
किससे मिलकर के बनता है, पहले ये बता। मन बुद्धि और अहंकार। मन बुद्धि अहंकार चित बनता है। हाँ ठीक है, तो चेतन से प्रतिबिंबित चित्त जिसमें बीज रूप से क्या है अहंकार रहता है, अर्थात जो चित्त है वो बीज रूप अहंकार और अहंकार उपाधित पुरुष, ठीक है, मतलब अहंकार से युक्त ही जब क्या है पुरुष हो जाता है, ठीक है, मतलब उसमें बुद्धि का विकास पड़ा तो बुद्धि के बाद क्या है अहंकार उत्पन्न होगा, फिर उस अहंकार के बाद और आगे बढ़ेंगे, है ना, तो जहां से पुरुष और चित्त में अभिन्नता आरोप होती है उसी का नाम क्या है अस्मिता है। मतलब अब देखिए बुद्धि तत्व का प्रकाश पुरुष के अंदर पड़ा और अहंकार की क्या है उसमें उत्पत्ति हुई, तो अहंकार का अर्थ क्या होता है मैं, तो अब ये जो पुरुष है ठीक है, तो अब वो अहंकार है वो किसका क्या बोलते हैं अंग है, प्रकृति का है, है ना, लेकिन वो उसको प्रकृति का नहीं समझता है, ठीक है, उस चित्त को वो उसी को मतलब मैं हूँ, वो जो चित्त है ना उसी को जो पुरुष है वो मैं हूँ ऐसा समझने लगता है, अहम का अर्थ क्या है मैं, ठीक है, तो जब ये वाली स्थिति होती है तब उसी को क्या बोला जाता है अस्मिता बोला जाता है। अस्मिता का अर्थ भी क्या होता है मैं, संस्कृत में आप लोग पढ़े हैं नहीं अस्मि, अस्मिता का मतलब अहंकार भी होता है ना मैम। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, तो अस्मिता अहंकार का कारण है, ठीक है, अस्मि अर्थात मैं, तो ये जो मैं का भाव है वही क्या है अहंकार का कारण है, इसलिए उसे उससे सूक्ष्मतर है, और जब चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि अस्मिता में धारण करने से उसका यथार्थ रूप साक्षात होने लगे तब उसको क्या है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। मतलब इसमें आप लोग डायरेक्ट यही चीज याद रखेंगे कि जो पुरुष है वो चित्त से अपने आप को भिन्न नहीं समझता है, उसी को अपना स्वरूप समझते रहता है, तब इस स्थिति को क्या बोला जाता है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। तो यदि आनंदानुगत संप्रज्ञात वाला योगी वहां ना रुक कर आगे बढ़ना चाहे तो पहले क्या हुआ विचारानुगत से हम लोग आगे बढ़े तब किसमें आए हम लोग इसमें आए विचारक पार करके विचार के आते हैं विचारानुगत को पार करके आनंदानुगत संप्रज्ञात, ठीक है, अब आनंदानुगत में भी हम लोग नहीं रुकेंगे, अगर रुक गए तो क्या होगा कौन से योगी कहलाएंगे विदेह मुक्त विदेह योगी, विदेह योगी, ठीक है, अब हम लोग वहीं पर नहीं रुकेंगे, मतलब हमको विदेह योगी नहीं बनना है, तो आनंदानुगत संप्रज्ञात वाला योगी वहां ना रुक करके आगे बढ़ना चाहे तो इस अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात अस्मितानुगत के अवस्था में पहुंच जाता है, और इसमें आनंदानुगत वाली वृत्ति अहम अस्मि अर्थात मैं सुखी हूँ यह अधिक निर्मल होकर केवल अस्मि अस्मि, ठीक है, यही ज्ञान शेष रह जाता है, अर्थात केवल मैं हूँ यही भाव, जब मैं सुखी हूँ इस चीज को भी भूल गया, ठीक है, केवल मैं हूँ यही भाव शेष रह जाता है, इस वृत्ति वाली अवस्था क्या है बड़ी मनोरंजक होती है, बहुधा योगी इसी को क्या है आत्म स्थिति समझकर इसी में संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने का यत्न नहीं करते हैं, उनका आत्माध्यास अहंकार से तो छूट जाता है किंतु अस्मिता में बना रहता है, ठीक है, मतलब अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है लेकिन अस्मिता का भाव समाप्त नहीं हुआ रहता, और शरीरांत मतलब मृत्यु होने पर विदेहों से अधिक लंबे समय तक, तो विदेह वाला योगी क्या है इसका देह समाप्त हुआ उसके बाद कुछ समय तक वो आनंद की अवस्था का भोग करता है, मतलब कैवल्य में जो सुख मिलता है उसको भोग करता है ना, और उसको क्या बोला जाता है विदेह योगी बोलते हैं, लेकिन ये क्या है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में जो योगी इससे आगे नहीं बढ़ पाता है ना, तो वो क्या है वो उससे अधिक लंबे समय तक क्या है उससे मतलब आनंदानुगत से अधिक लंबे समय तक कैवल्य जैसा आनंद भोग करता है, अब और इसको क्या बोलते हैं प्रकृति लय योगी कहते हैं, ठीक है, और जिनका वर्णन 19वें सूत्र में किया गया है, ठीक है, अब देखिए इसको अस्मितानुगत या इसको प्रकृति लय बोला क्यों गया है ना, तो उसमें क्या है मतलब आप लोग एक चीज को जैसे याद रखेंगे जैसे कोई भी योगी है ना वो आगे बढ़ता है तो पहले हम लोग क्या है भगवान को मानना चालू करते हैं, है ना, तो भगवान को जब मानना चालू करेंगे तो सब और क्या है मतलब हम आनंद की स्थिति से भर भर जाएंगे,
फिर उसके बाद मेन हम लोग ज्ञान योगियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सदैव आनंद की अवस्था की रहती। फिर उसके बाद उससे कुछ स्टेज में आगे बढ़ा तो अहम ब्रह्मास्मि अर्थात क्या है, हम लोग ब्रह्म के स्वरूप हैं। तो पहले इस चीज को हमको सोचना पड़ेगा ना कि मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ तो मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस स्थिति में बने रहते हैं तो वही वाली स्थिति क्या होती है, ये अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है, उसमें होती है ना। लेकिन अब क्या है, हम ब्रह्म के अंश तो हैं, लेकिन अब हम अपने आप को ही क्या है यहाँ पर, मतलब यही हमारा लास्ट स्टेज है ऐसा मान लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना। तो फिर क्या है, अब इस वाली स्थिति में भी समझ, मतलब सपोज चले गए कि अगर हमें ब्रह्म का, मतलब हम ही ब्रह्म हैं, इस वाले स्टेज अहंकार की दृष्टि से नहीं भाई, है ना, एक पॉजिटिव वे में, तब क्या है उसमें उससे अधिक समय तब हम जो आनंद का भोग है उसको करेंगे। और इसी योगी को क्या बोलते हैं, प्रकृति लय योगी बोलते हैं। अब प्रकृति लय योगी क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, अहंकार क्या है, बीज रूप में विद्यमान रहता है, और अहंकार किसका अंश है, पुरुष का अंश नहीं है, वो किसका अंश है, प्रकृति का अंश है। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं हम, प्रकृति लय कहते हैं, जिनका वर्णन क्या है, मतलब अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में अगर कोई योगी अपना देह त्याग कर देता है ना, तब उसको क्या बोलते हैं, प्रकृति लय योगी कहते हैं। आया समझ में यहाँ तक, आया कि नहीं आया जी, थोड़ा थोड़ा आया है। आप लोग घर जा करके पढ़ेंगे, ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब आनंदानुगत और अस्मितानुगत भूमियों में पांचों सूक्ष्म विषयों जैसा साक्षात्कार नहीं होता है, यह केवल अनुभव गम्य है। इसमें क्या है, सूक्ष्म विषयों जैसा, मतलब आनंदानुगत और अस्मितानुगत भूमियों में पांचों सूक्ष्म विषयों जैसा साक्षात्कार नहीं होता है। ये जो सूक्ष्म विषय इत्यादि के साक्षात्कार है वो किसमें होते हैं, हमारे विचारानुगत में होते हैं, ठीक है। और यह क्या है, केवल अनुभव गम्य है, अतः इनका वर्णन क्या है, शब्द मात्र समझना चाहिए। मतलब ये आनंदानुगत क्या है, अस्मितानुगत क्या है, आपको कोई इसको एग्जैक्टली मतलब बता नहीं सकता कि ये क्या है, इसको क्या है, केवल अनुभव से समझा जा सकता है। तो इसका वर्णन क्या है, शब्द मात्र, मतलब आप लोग अब समझ गए होंगे कि इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन चारों समाधियों में वितर्क समाधि चलगी, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना, इतना था। आप लोगों को और पढ़ना होगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार, हाँ ठीक है, आप लोग इन सब चीजों को पढ़ लेंगे। आप लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब बताइए हमारे जो संप्रज्ञात समाधि के कितने टाइप्स हैं, पहला है वितर्कानुगत, दूसरा विचारानुगत, तीसरा आनंदानुगत और चौथा अस्मितानुगत। तो वितर्कानुगत और विचारानुगत किसमें होता है, ग्राह्य विषय पर होता है, ठीक है, और जो आनंदानुगत है वो ग्रहण विषय पर होता है, अस्मितानुगत है वो ग्रहित्री विषय पर होता है। इसके ऊपर में मैंने जितना भी ये चीज छोड़ा हुआ है ना, तो आप लोग इसको क्या है एक बार पढ़ लेंगे, मतलब टफ नहीं है ये चीज, है ना, इसी कारण से मैंने इसको छोड़ा हुआ है। और वैसे अभी यहाँ पर से मतलब उस विषय में क्वेश्चन आया नहीं है, है ना, थोड़ा सा लेवल और अप होगा उसके बाद ही आएगा, तो आप लोग एक बार अपने से उसको पढ़ लेंगे। तो हमारे अपर वैराग्य का फल होता है संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि हमारे क्या है, चार टाइप के होते हैं, वितर्क, विचार, आनंदा, स्मितानुगमात, संप्रज्ञातः, मतलब इन चारों में जो स्थिति हो, इन चारों से युक्त जो हमारी स्थिति होती है उसी को क्या बोला जाता है, संप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि के बाद हम लोग दूसरा जो पर वैराग्य पढ़े थे, है ना, पर वैराग्य का फल होता है हमारा असंप्रज्ञात समाधि। तो अब कहते हैं 18वें नंबर के सूत्र में, अपर वैराग्य जन्य संप्रज्ञात समाधि का निरूपण करके, अर्थात अपर वैराग्य के कारण क्या होता है, संप्रज्ञात समाधि। तो अब इसका 17वें नंबर के सूत्र में बता करके, अब पर वैराग्य जन्य, पर वैराग्य के अभ्यास से क्या है, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, तो उसका लक्षण कहते हैं। तो कह रहे हैं कि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, तो विराम अर्थात सब वृत्तियों के निरोध का, विराम का अर्थ क्या है, रुक जाना, ठीक है,
तो सब वृत्तियों के निरोध का प्रत्यय अर्थात कारण जो पर वैराग्य है उसके अभ्यास पूर्व, ठीक है, तो पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से, मतलब उसके बार बार अभ्यास करने से जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं वही क्या है अन्य दूसरी प्रकार की समाधि क्या है हमारी असंप्रज्ञात समाधि है। तो अब इसका अर्थ देखेंगे, सर्व वृत्तियों के निरोध का कारण, ठीक है, ये जो सब प्रकार की हमारी जो वृत्तियों के विराम का जो कारण है, ठीक है, प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है कारण, और विराम का अर्थ है सब वृत्तियों के निरोध के का जो उपाय है, सब वृत्तियों के विराम का जो कारण है उसका कारण क्या है अभ्यास पूर्व, मतलब हम जो बार बार क्या है इससे पहले अभ्यास कर रहे थे तो उसके कारण क्या है जो केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, मतलब हमने वितर्क विचार आनंद और अस्मितानुगत जो संप्रज्ञात समाधि का के बाद है ना जो पर वैराग्य का हम जब बार बार अभ्यास करते हैं, मतलब पर वैराग्य बोलते किसको है पुरुष को, क्या है प्रकृति के गुणों से तृष्णा का अभाव हो जाता है, मतलब प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ, अब प्रकृति से क्या है उसको मोह नहीं रह जाता है ना, तो उसके कारण उस पर वैराग्य के बार बार अभ्यास के कारण जो उसके क्या है केवल संस्कार शेष रह जाता है ना, तब उस अवस्था को क्या है संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है, मतलब वृत्तियों का निरोध हो गया, ठीक है, सभी प्रकार की हमारी वृत्तियों का निरोध हो गया लेकिन बच क्या गया है अब केवल संस्कार मात्र शेष रह गया है, ठीक है, तो जब संस्कार मात्र जो यहाँ पर देखिए संस्कार मात्र जो शेष रह गया है तो जो संस्कार मात्र शेष रह जाता है उस अवस्था को क्या है दूसरी प्रकार की अन्य, अर्थात पहली समाधि तो संप्रज्ञात समाधि बोल दी गई तो ये दूसरी प्रकार की समाधि क्या है हमारी असंप्रज्ञात समाधि, तो पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से जो केवल संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं उसको क्या बोला जाता है असंप्रज्ञात समाधि। एक बार और देखिए, ये चित्त की वृत्तियों का क्या है विराम हो गया निरोध हो गया, तो चित्त वृत्तियों के निरोध का जो कारण है जो हम बार बार चित्त की वृत्तियों के निरोध का क्या है अभ्यास करते हैं है ना, तो उसके कारण क्या है केवल हमारे संस्कार शेष रह जाते हैं, तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है असंप्रज्ञात समाधि। आया समझ में, एक बार घर जा करके पढ़ेंगे है ना, एक बार ये संस्कार मतलब कैसा संस्कार रह जाता है एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। ये ना आगे दिया हुआ है जब हम लोग प्रज्ञा के बारे में पढ़ेंगे ना विटंबरा प्रज्ञा के बारे में है ना, तो वहां पर आएगा कि कौन से संस्कार किस तरह के संस्कार, और जो लास्ट हम लोग कैवल्य पाठ में देखेंगे है ना, तो वहां पर बताया गया है, तो ये संस्कार का अर्थ वही है, मतलब देखिए आप लोग इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर बता दीजिए हाँ संस्कार के बारे में बता दीजिए संस्कार क्या होता है। हाँ 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 वही बता रही हूँ, सपोज जैसे देखिए कि कोई बच्चा होता है ना, तो कुछ चीजें क्या है उसके घर वाले सिखाते हैं उसको, ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो उसके घर वाले नहीं सिखाते हैं लेकिन पर भी क्या है उसको कुछ चीजें आती रहती है, तो उसके अंदर कैसे आता है जो उसने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं है ना, वो क्या है बीज रूप में उसको क्या है विद्यमान रहता है, तो उसी को क्या बोला जाता है संस्कार बोल। कर्म संस्कार नहीं पढ़े हो जी आप लोग, कर्म संस्कार जब क्या है हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो सब चीज तो नष्ट हो जाता है लेकिन हमारे कर्म संस्कार क्या है हमारे साथ रह जाते हैं है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है संस्कार बोला जाता है, मतलब सब प्रकार की वृत्तियों का क्या है निरोध हो गया लेकिन उसको क्या है अभी मुक्ति मिली नहीं है, है ना। यहाँ पर आप लोग देखिए अस्मितानुगत जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें क्या है उसको अभी पूरा वो मिला नहीं है, पूरी तरह से उसकी जो समाधि वाली स्थिति होती है उसको अभी मिला नहीं है, उसका क्या है फिर से जन्म होगा अभी है ना, क्योंकि उसको क्या है अभी। मैडम आपके कहने का मतलब है कि वृत्तियों का निरोध तो हो गया लेकिन जो कर्मों का फल है वो शेष है। हाँ ठीक है जो हाँ हाँ तो ये जो संस्कार शेष रह जाते हैं, तो देखिए मैं एक बच्चे के उदाहरण के द्वारा बता रही थी है ना, कुछ चीजें घर वाले सिखाते हैं लेकिन कुछ चीजें उसको पहले से आती रहती है, तो क्या है
वो संस्कार रूप में उसके विद्यमान रहते हैं, तो इसी तरह उसमें क्या है, अब उसके सब प्रकार की वृत्तियों का निरोध तो वो उसने कर लिया, लेकिन जो उसने कर्म किए हैं उसका फल तो उसको भोगना पड़ेगा, तो वो क्या है, वही बीज रूप में विद्यमान रहता है ना। तो यही वाली स्थिति जब बची रहती है तब उसको क्या बोला जाता है, असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, अभी आप लोग इसको इस रूप में समझिए, और अगर नहीं समझ में आया कुछ मत कीजिएगा, चुपचाप पातंजल योग प्रदीप निकालेंगे और सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ लेते हैं, बाकी का हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, तो आप ज्यादा पढ़ेंगे तो क्या है, हौच पौच हो जाएगा, है ना। तो आज की कक्षा यहीं तक, आया आप सभी को समझ में? हाँ जी। ठीक है, वो कल पता चल जाएगा कि कितना समझ में आया है।